यार इतना सारा सामान, बड़े मजे आने वाले हैं खाने में। तो हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो गाइज आप कैसे हैं? बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ, बट इतना नहीं हूँ यार, थकावट बढ़ी है दिवाली की। और ये देखो मम्मी ने क्या करा है मेरे साथ, जबरदस्ती मेरे काजल लगा दिए। देखो हम सबके लगाया है जबरदस्ती, मैं तो आग बंद कर रहा था, मेरे और ऐसा लग गया बच्चों वाला, बहुत हंसी आ रही है देख के। खुलिया और कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लग रहा हूँ मैं काजल लगाने के बाद, ठीक है। और आज है गोवर्धन पूजा, तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा हैप्पी गोवर्धन पूजा। और हमारे यहाँ भी अपने गोवर्धन पूजा हो चुकी है डन, बट अब बनाना है छप्पन, जिसके लिए तैयारी तो अभी सबसे पहले सब्जियाँ धोएंगे, फिर काटेंगे, फिर मम्मी बनाएंगी। टाइम कम से कम हमको 1:30 बज जाएगा और अभी तक हम कुछ नहीं खा सकते। जब तक पूजा नहीं हो जाएगी तब तक कोई कुछ नहीं खा सकता, हम बच्चे भी नहीं खा सकते, ये है। इसलिए हम लोगों को भी वेट करना पड़ेगा। और यार दिवाली की सजावट वैसी की वैसी है, सब कुछ बस थकावट ही है। और अभी बताऊँ तो टाइम हो चुका है 8:30 ऐसी बज रहे हैं। सुबह उठ गए थे हम 7 के करीब, तो पूजा वूजा अपनी हो चुकी है और मम्मी ने मेरे काजल लगा दिया। अब देखते हैं, अब छप्पन भोग की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो गाइस यार मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब हमने सारी तैयारी कर ली है, सारी सब्जी अपनी फ्लोर वाइज रख दी है। अब आप लोगों को वो दिखाऊँ क्या? सबसे पहले जब तो उससे पहले आप रुक के काजल देखो। हेलो गाइस, हैप्पी गोवर्धन, होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने दिवाली पे बहुत मजे किए होंगे। मैं आपको टर्न करके दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखिए आप, ये है। अब पापा बताएंगे, अपने पापा ये रहे, पापा काजल की जय। ये काजल भी पापा मम्मी ने लगाया। अरे अभी देखो, सबसे पहला पापा तो बताएंगे, पापा को तो याद ही है, ठीक है। लेकिन पहले ना गाइस देखो, ये जो इंसान बैठा ना, ये चिराग, ये खाने में तो बहुत माहिर है, इन्हें खाने की तो हर चीज चाहिए होती है। अब इनसे सब्जियों के नाम भी पूछ लेते हैं। आइए बेटा बताइए क्या क्या है, हम भी आपकी नॉलेज देखे। लौकी है, ये पता नहीं, जिमीकंद, जिमीकंद, आप मन बताओ, देखने दो। ये मूली, ये गाजर, ये गोभी, ये पत्ता गोभी, ये है वो क्या कहते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, कुंदरू, और ये कभी नहीं खाता इन्हें। और ये क्या है? सफेद बैंगन, सफेद बैंगन। और ये शिमला मिर्च, शकरकंदी है क्या? शकरकंदी, शकरकंदी, अरबी, और ये लौकी, आंवला, ये नहीं पता, सेम की छोटी, ये भी नहीं पता, ये बीन्स, और ये अच्छा रुक जाओ, इसे इसे बताने से, एक कद्दू कहते हैं, कद्दू थे उर्दू, सीताफल, ये सीताफल, इसे सीताफल, ये फल, ये क्या है? ये बैगन है, और ये मशरूम है, ये मटर है, ये बड़ा कुंदरू है, छोटा परमल, परमल भिंडी है, इसका पता नहीं, बड़ी सेम, ये है सेम की फली, कुर्ती, सॉरी कुर्ती की फली, मम्मी की फेवरेट। और ये है अपनी करेला, सबके फेवरेट, ये जिसके भी फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताना, करेले किसके फेवरेट है। टमाटर मैं बताता हूँ, चलो ये है, चल छोड़, अब पापा को बताने दे। देखा सिर्फ 5 गल गए मैंने, 5 गलत नहीं बेटा, 7 जय। पापा आप लोगों को बताएंगे, बताना चाहता हूँ जो छप्पन भोग की तैयारी होती है उसमें जो सब्जियां फल डाले जाते हैं, बाकी की और मिष्ठान, बाकी सामग्री और भी, तो 56 से हमारे काफी ऊपर चले जाते हैं। और आप देखिए, शुरुआत करते हैं हम लौकी से। ये लौकी है, ये जिमीकंद है, ये मूली है, ये देसी गाजर है अपनी, ये गोभी है, फूल गोभी, वो पत्ता गोभी है, ये अरवी, ये अपनी शकरकंदी, ये शिमला मिर्च, ये कुंदरू है, ये सफेद बैंगन, और ये कच्चा केला, उसके बाद तोरई, आमला, छोटी सेम की फली, ये बीन्स की फली है, ये सीताफल, ये बड़ा बैंगन, और ये अपना जो है ना मशरूम। इधर आ जाओ तो आप टमाटर, ये करेला, ये खुरती की फली, ये बीन्स की बड़ी फली, ये भिंडी है, ये परमल है, और इधर जो है ना आपके ये मटर आ गई। उसके बाद आप अदरक है,
नींबू है, सिंगाड़े हैं, चुकंदर है, ये परमल है और वो है विलायती गाजर। इसके बाद ये सरसों का साग है, ये अपनी मेथी है, ये सोया है और ये पालक है। इधर खीरा, हरी मिर्च और ये स्वीट कॉर्न, ये पुदीना, ये धनिया और ये अपना कड़ी पत्ता, मरुआ, अच्छा मरुआ का पत्ता, और ये है कड़ी पत्ता, ये सेब, ये शरीफा, ये अमरूद, संतरा, अनार, केला और ये है अपना पनीर। तो ये 50 आइटम अभी जो हैं आपके सामने, ये 50 हैं सामग्री में। बाकी और जो चीजें बनेंगी तो 56 से अत्यधिक अपने जो है ज्यादा हो जाता है। जैसे अभी ये सिर्फ सब्जी सब्जियां, फ्रूट्स है, अभी फिर उसमें मिठाई भी डालेंगी और भी पापड़ वगैरह और भी बड़ी बड़ी चीजें, बहुत सारी चीजें टेस्टी होता है ना। बाबा की कृपा से बनेगा अच्छा हो जाता है। महाराज की जय। अब हम बनाना शुरू करते हैं, उसके थोड़े जवाब मिलते हैं। तो गाइस यार हम एक चीज भूल गए, आपको बताऊं क्या, सब्जियों का राजा आलू। पापा ने मुझसे 2-3 बार कहा था कि रख दे, मैंने कहा रख दूंगा और भूल ही गया। लो अब मेरे को पड़ेगी इस बारे में डांटी, मैंने कहा कोई नहीं दिखा देता हूँ। तो अब ये आलू और यहाँ पर चल रही है कटिंग। पापा वो बीम जो भी काट रहे हैं, की अपना मटर छील रही है और मैं भी देखता हूँ कुछ ना कुछ काम पकड़ लेता हूँ और क्या है। तो गाइस यार आज तो अपलोडिंग होने में इतना टाइम ले लिया, बट अब वीडियो मेरी जाके डल चुकी है बिल्कुल चकाचक और यहाँ पर चल रहा है दबा के काम, क्योंकि मेरा काम तो यही था अभी, अब मैं जाके काम करूँगा। तो गाइस यार देख सकते हो अभी एक कुकर भरा है, एक कुकर हो चुका है और ये हमारी पकौड़ी, ये कड़ी डालने के लिए और ये खीर बनेगी। हाँ और हलवा भी बन चुका है और आशी कर रही है पूजा और यहाँ पर अभी भी कटिंग दबा के चल रही है। मतलब पापा कहीं काटते जा रहे हैं तो मम्मी को देते हैं, फिर मम्मी कुकर में डालती हैं, फिर उसके बाद डन होता है, तब जाकर होता है। मतलब बहुत बड़ा काम है, अभी हमको 1 घंटा तो गया करते करते, अभी और आधा 1 घंटा और लगेगा। अरे काटने में, सब्जी काटने में, काटने में, उसके बाद और भी, हाँ बहुत है, बहुत सारा काम है। तो गाय जा रहा, बेबी पूरा भर चुका है, तीसरा कुकर हमारे लिए रेडी है, अब फिर ये तैयार। और पापा अपने बेचारे कह रहे थक गया। हाँ सारा पापा और कहीं नहीं करा, मैंने नहीं करा, मेरे को कह रहे तू मत कर, कटिंग वटिंग हम ही करेंगे, तेरे को नहीं आता। मैंने जो सिंगाड़े छीले और कुछ नहीं करवाया मुझसे। अब मम्मी ने मूंग के आगे पापड़ तड़े हैं और अब मम्मी कुछ फ्राइंग वगैरह हैं वो सब करेंगे अपने, और अपनी खीर वगैरह सब बनकर तैयार हो चुकी है। प्राइम्स ये वगैरह इन सब का अन्नकूट ही होगा कुछ, और अपने भगवान जी भी अपने तैयार हो चुके हैं नहा धोकर। और बाहर का मौसम बिल्कुल हो रहा है कड़क। अब हमारी सब्जी तैयार होने वाली है, मम्मी बेचारी काम में अभी भी लगी हुई हैं और अब सब्जी हमारी तैयार हो जाएगी आधे घंटे के अंदर, है ना मम्मी? हो गई, बस भुननी है, जाता पूरी से कहीं तक हो जाएगी। हाँ पूरी भर की कढ़ाई बनी है और यहाँ पर कहीं अपना पनीर काट रही है और हमारी आंटियाँ रखी हैं, सबको दिखा दे तू। हाँ और ये अनार मैंने छीले, मैंने मेहनत करी इसके लिए। तो गाइस जरा अभी कढ़ाई से थोड़ी सब्जी ले आ चुके हैं हम और भोग की तैयारी के लिए हमने सब लगा दिया है। अभी जब खोलेंगे तब आपको पता चलेगा इसमें है क्या। हुआ ये आशिया मैंने डोने में लगा है। हेलो, आप लोग सोचते होंगे मैंने कोई काम नहीं करा, कोई था नहीं जो मेरी वीडियो बनाए। मैंने भी किया बहुत काम, हम दोनों ने किया है। हम दोनों रॉक करेंगे रॉक। हाँ, हम दोनों भाई बहन हैं। नहीं। जब तक यार हमारी पूड़ियाँ बन रही है, मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि मेरे को इसकी एक्साइटमेंट इतनी क्यों है। इसको ही नहीं, हम सबको ही रहती है, क्योंकि देखो मतलब एक साल में एक ही बार बनता है। देखो यार वैसे तो हम बना सकते हैं, मतलब सब्जीज कलेक्ट करके, वेजिटेबल्स कलेक्ट करके, बट यार देखो जो मज़ा इस टाइम पे आता है ना, वो उस टाइम पे भी नहीं आ सकता। और इतनी सारी वेजिटेबल्स कहाँ से कलेक्ट, और रियलिटी में बट पता नहीं होता अच्छी बन जाती है। हाँ मतलब इतना, इतनी सारी क्वांटिटी में कितना नमक डालना है,
और ये नहीं होता कि हमने ये सब्जी पहले बनाई थी यही सब्जी लेंगे, कुछ सब्जियाँ आती नहीं है, कुछ पहले जो नहीं आती थी वो अब आ जाती हैं, मतलब वो मम्मी के ऊपर है और भगवान जी के ऊपर जो इतना बढ़िया बना देते हैं, तो इसलिए हमको इस दिन का इतना इंतजार रहता है, एक्साइटमेंट रहती है बहुत ज़्यादा। तो दिल्ली से पूड़ी आए, फिर हम भोग लगाते हैं भगवान जी का, फिर मैं अपना भोग लगाऊंगा, बस खाने की बात चालू, ये तो काम है। I can feel I'm changing. I don't know if I'll ever go back. All the ways that you make me build me up on the things I lack. I don't ever wanna lose you now. 'Cause I don't think I'll make you hear me now. 'Cause it's you and only you. तो गाइस यार आप देख सकते हो यार हमने सब कुछ कर दिया है, देख लिया ना यार सॉन्ग में भाई, अब तो सिर्फ बॉल लगाना बाकी है। अब जल्दी से मैच को हम भगवान जी के आगे रखते हैं, सेट करते हैं सामान, फिर हम हरी लाल की जय। चलो हम पूजा करते हैं महाराज की जय, बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, श्याम से मिला दे, जय श्री राधे, श्याम से मिला दे, जय जय श्री राधे। ओहो मक्खन, एक और चीज जुड़ गई हमारी, मक्खन भी आ गया। तो गाइस यार अब हमारी पूजा हो चुकी है और अब हम भगवान जी का मतलब एक पुहिया बनाते हैं, हम उसी के अंदर हम ये सब सामान भरेंगे, वो मैं अगर आप वो देखना चाहते हैं और इसकी रेसिपी पूरे जो मम्मी ने छप्पन भोग बनाया है तो आपको मम्मी चैनल पे मिल जाएगी, और अगर आप देखो तो ऊपर आ रहा है लिंक, उसको क्लिक करो और वो आप देख सकते हैं कैसे बनाया मम्मी ने, ठीक है। और अभी पहले हम इसकी पुहिया बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं, और अगर आप पुहिया बनाना भी सीखना वो मम्मी के चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप देख लेना, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारी जो पूरी टोटल सब चीजें कितनी हो चुकी है बताओ, 82 छप्पन होता बट उससे भी ज्यादा मेरा हमेशा बन जाता है। यस और ये सब हमारे भगवान जी की कृपा से होता है, बिल्कुल सही बात। अब हम यहाँ पर भगवान जी को बोला जा रहा है, हाँ, समझ सकते हैं, और अब हम टेस्ट करते हैं, पापा पुड़िया पुहिया बनाएंगे फिर हम उसको खाते हैं। तो गाइस यार मेरा तो आ चुका है ये, और रितिका दीदी हाँ मैं इतने सारे खाने वाली हूँ, रियलिटी नहीं है। ये तो हमने सबके लिए प्रिपेयर किया, अभी हाँ। ऐसे और भी ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। हाँ तो अब पहले मैं आपको बताता हूँ इसको करते कैसे हैं, ठीक है, तो अभी देखो। तो गाइस यार मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी हम पुहिया बना के खाते हैं, इसमें ये सारी चीजें हैं रोल करके, हाँ रोल करके एक तरीके से, ऐसे हमने रोल करा और एक हम पीछे हाथ लगाएंगे और फिर इसका स्वाद लेते हुए खाएंगे। अब खाने के बाद आपसे मिलता हूँ। सो गाइस ये देखिए इन्होंने कहा था मैं आपसे खाने के बाद मिलता हूँ, लेकिन ये अभी भी खा ही रहे हैं, और ये देखते फिर मुझे जिनकी आवाज इतनी तेज तेज आ रही है इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये है उज्जवल, ये देखो देखो क्या कर रहे हैं बेटा, खाओ तुम खाओ, क्या पैरी का भाई आइए बेटा, ये वीडियो 101% वायरल होने वाली है यूट्यूब, देख बेटा ये तो इंस्टा पर भी जाएगी, तो देख बोल रहे ना पागल बोल रहे तू, देखो कैसे
ये देखो कैसे खा रहे हैं, मतलब एकदम ऐसे दाना दाना से इतना ही खाने तो आते ही नहीं है, इससे सीख ले। हाँ देखो कितना बड़ा मुंह खोलते हैं, इतना बड़ा नहीं खोल के दिखाओ। और ये है आशी जी, और ये मेरी दोस्त है, मेरी चक्की। ये है इन्हें, इनसे आप मिल चुके हैं, कल ही मिले आप लोग। खुशी गुप्ता, खुशी गुप्ता। तो ये है आशी की फ्रेंड, हेलो तो बोल दे, इतनी बेस्ती कर मत करो। ये हमारे पापा, यहाँ पर भी रेडी है, आप लोग भी आइए, आप भी yes, yes, आप बोल के राजधरण महाराज की जय। तो गाइस यार रात के 9-10 बज चुके हैं और अभी मैं सिर्फ कर रहा हूँ एडिटिंग, और मैं आज इस व्लॉग को एंड करता हूँ। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। इग्नोर, इसे कहते हैं इग्नोर, बेइज्जती होती है ऐसे लोगों की। देखो बेचारे को क्यों कर रही हो खान दे, मुझे नहीं।